मित्रों, जीवन दर्पण ज्योतिष में मैं दिवाकर वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि बिल पत्र भगवान शिव पर किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से पेड़ से बिल पत्र तोड़ना चाहिए, उसको तोड़ते समय कौन सा मंत्र बोलना है, और भगवान शिव पर बिल पत्र चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि बिल पत्र में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम बिल पत्र ले लेते हैं और चढ़ा देते हैं, ध्यान नहीं देते कि बिल पत्र में कुछ कमियाँ भी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि बिल पत्र पेड़ से तोड़ते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो मित्रों, मंत्र है अमरोदव श्री वृक्षा महादेव प्रिय सदा ग्रामी तव पत्राणी शिव पूजार्थ मादराता। ये मंत्र बोलते हुए बिल पत्र वृक्ष से तोड़ना चाहिए। और मित्रों, अब जानते हैं बिल पत्र के बारे में कि बिल पत्र हमें डाली से किस प्रकार से तोड़ना चाहिए, कैसे चयन करना चाहिए बिल पत्र का। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे पास एक बिल पत्र की डाली है, और मित्रों इसमें बहुत सारे बिल पत्र हैं। अब आमतौर पर होता क्या है, जिनको जानकारी नहीं होती वो कोई भी बिल पत्र तोड़ लेते हैं और भगवान शिव पर चढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बिल पत्र कटे और फटे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये बिल पत्र हमने लिया, डाली से तोड़ा, अब देखिए ये बिल पत्र जो है इसमें ये कटा हुआ बिल पत्र है, ये फटा है, यहाँ से ये फट गया है, देखिए इसका पत्ता फट रहा है। तो इस तरह का जो बिलपत्र होता है जिसमें ये पत्ता फटा हुआ है, ये हमें नहीं चढ़ाना, शंकर जी पर नहीं चढ़ाना। उसके अलावा अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि एक बिलपत्र ये भी है, हमने ये बिलपत्र लिया और उसको डाली से तोड़ा, और मित्रों इसमें सिर्फ दो ही, इसकी जो है इस बिलपत्र में दो पत्तियाँ हैं, तीन पत्तियाँ नहीं हैं। तो दो पत्तियों वाला बिलपत्र या एक पत्ती वाला बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, तीन पत्ती वाला ही चढ़ाना चाहिए, इसलिए हम इसको भी नहीं चढ़ाएंगे, छोड़ देंगे। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, देखिए मित्रों, हम आपको दिखाते हैं कि बिलपत्र में क्या क्या खामियां होती हैं। जैसे कि अभी ये बिलपत्र है, हमने एक बिलपत्र लिया, ये बिलपत्र हमने यहाँ से तोड़ा, अब मित्रों इसके अंदर जो ये छेद हो रहा है, ये बिलपत्र के अंदर पत्ते के अंदर जो छेद हो रहा है, ये जो कीड़े छेद कर देते हैं, ये भी छेद है, ये छेद कर देते हैं कीड़े, ये कहा जाता है चक्र, इसको चक्र कहते हैं। और इस तरह का बिलपत्र जिसमें इस तरह से छेद हो रहा हो, पत्ते के अंदर कहीं भी बिलपत्र में कहीं भी छेद हो रहा हो, तो वो नहीं चढ़ाना चाहिए, उसको वज्र कहा जाता, उसको माफ़ कीजिएगा, उसको चक्र कहा जाता है, इसलिए ऐसा बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए मित्रों। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि बिलपत्र के अंदर और क्या होता है। मित्रों, हम बिलपत्र जब तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद ये जहाँ से हम डाली से तोड़ते हैं तो ये डंडी जहाँ से टूटती है, यहाँ ये मोटा हिस्सा होता है। दिखा देते हैं कि ये डाली है और इस डाली में जहाँ ये लगा हुआ है, जब इसको हमने यहाँ से तोड़ा तो ये यहाँ पर जो ये लगी हुई है डंडी, मोटा हिस्सा, इसको हम कहते हैं वज्र, ये जो मोटा हिस्सा है इसको वज्र कहते हैं। और इसके साथ बिलपत्र भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए, तो इसको यहाँ से तोड़ लेना चाहिए और तोड़ करके इस हिस्से को फेंक दें। बाकी का जो ये हिस्सा बचा, ये बिलपत्र अच्छा है, ये बिलपत्र इस तरह से बिलपत्र तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए आपको। तो हम आपको बताते हैं मित्रों कि बिलपत्र, बहुत सारे भाई बंधु नहीं जानते कि बिलपत्र किस तरह से चढ़ाना चाहिए, कि सीधा या उल्टा नहीं जानते, तो आपको बता देते हैं कि जो ये बिलपत्र का चिकना हिस्सा होता है, चिकना भाग होता है, ये शिवलिंग पर आना चाहिए, और ये जो इसका दूसरा पीछे का भाग है जो थोड़ा खुरखुरा होता है, ये वाला भाग शिव शंकर जी की शिवलिंग पर नहीं आना चाहिए। अब जैसे कि ये सीधा भाग है, ये चिकना भाग है इसका, और हम शिवलिंग पर इस चिकने भाग को ऐसे चढ़ाएंगे, इस तरह से चढ़ाएंगे, उसका जो चिकना भाग होगा वो शिवलिंग के ऊपर होगा और जो खुदरा भाग होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ये ऊपर खुदरा भाग है, ये नीचे चिकना भाग है। और जब हम शंकर जी की शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाते हैं तो उस समय पर एक मंत्र है वो हमें बोलना चाहिए, और मंत्र है त्रदलम त्रोणाकारम त्रिनेत्रम च त्रधायुधम त्रजन्म पाप संगारम बिलपत्रम शिव अर्पणम। इस तरह से मंत्र बोलते हुए भगवान शिव की शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, आशा करते हैं हमारी बताई हुई जानकारी आप सभी को पसंद आएगी, और अपने मिलने वालों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके और वे भी इससे लाभान्वित
हो सके। मित्रों, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर कृपा करें, इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।